तो गाइस भाई की शादी होने के बाद मेरे चाचा की लड़की की शादी है, तो हम वहीं गए थे दहेज देखने। तो ये जो सोना चांदी होते हैं परंपरा है, तो ये दे तो मैंने आपको भी साथ वीडियो शेयर किया। और ये यहाँ लगे हाथ खाना बन रहा था, तो ये देखिए गुलाब जामुन को देख के मुंह में पानी, लेकिन मेरे को इतना मीठा पसंद नहीं है। देखिए बहुत सारा दहेज होता है, तो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया। आप लोगों को भी पता ही है लड़की को दहेज देते हैं, और जो देता है वो प्लीज़ कमेंट करें, और ना देता वो भी कमेंट करके बताए। और उसी दिन आ गई थी बहुत तेज़ आंधी तूफान यानी बारिश, रात ही जगह था, तो पूरा शादी का जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया और कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। रात ही जगह का स्टेज प्रोग्राम था। ये देखिए रिमझिम बारिश भी आने लगी, तो मैं सो के उठी थी तो देखा तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, तो बस यहाँ होली के टाइम पे। और ये देखिए शादी का दिन यानी 5 मार्च, बच्चे रेडी होके आ गए हैं अपने मेरे पास, और मैं यहीं थी भाभी के घर, तो यहीं नहाई दो ये चारों। देखिए इनको देखिए अपने आप वीडियो शूट कर रहे हैं शनाया। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जोधपुर वाले व्लॉग। तो आज है मेरे चाचा की लड़की की शादी, तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो 2-3 दिन बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, कल आंधी तूफान बारिश पूरा प्रोग्राम जो नाइट प्रोग्राम होता है रात की जगह वो हो गया उनका ख़राब, लेकिन फिर भी मैं देखने गई थी लेकिन शूट नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। तो अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, और ये देखिए सनाया भी रेडी हो गई है, फलक भी रेडी, ये भी मेरी भतीजी है, और अभी आलिया, और ये देखिए मीसा तैयार होके कहाँ रेडी होके कहाँ बैठी है देखिए। तो अभी मैं सुबह से भाभी के घर ही हूँ, एक भाभी के घर नहाई हूँ और एक भाभी के घर रेडी हुई हूँ। तो चलो अभी चलते हैं घर, नई दुल्हन क्या कर रही है उनको भी देख लेते हैं। और ये देखिए मीसा और वो भाभी देखिए वहाँ बैठी है, अभी चलते हैं फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो जयपुर का सफ़र, जोधपुर का सफ़र आज मेरा कंप्लीट, तो आज ही निकलना है मुझे जयपुर भी, तो खाना खा के दिन का ही निकल। तो वो देखिए गिर गई है, तो अभी इसको संभालती। तो गाइस मैं घर आ गई थी, तो अभी ये तैयार नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ, इनको सबको बहुत तेज़ी की भूख लगी है। तो अभी बज गए 12:30, तो चलो चलते हैं खाना खाते हैं, और फिर हमारी ट्रेन है 4 बजे की, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें 2:30 या 3 बजे, तभी जाके पहुँचेंगे। तो हम बच्चों को ले जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, वहाँ क्या होता है खाना, वहाँ का मेन्यू भी आपको बता देंगे, नहीं बताए तो। लो जी हम आ गए खाना खाने, तो बहुत ही अच्छा खाना बना था, दुलत्ती कोरमा और रोटी। तो ये देखिए मेरी चांद खाला का पहला बाइट, तो ये बहुत अच्छी खाला है, ये बोलती है मेरा वीडियो व्लॉग में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए कोरमा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। और ये मेरी खाला का हाँ, तो हम शादी में से आ गए थे, भाई लाया था होली की मिठाई, तो होली थी तो इनके सेठ लोग देते हैं। उसके बाद में घर आके मेहंदी लगाई, क्योंकि आज जाना कैंसिल हो गया था, भाई शादी में काम करा रहा था, तो फिर सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं कल चल जाएंगी, तो आज मेहंदी लगा लेते हैं। और गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं जोधपुर से जयपुर नहीं गई, क्योंकि मेरा कैंसिल हो गया जाना, तो आज भाई की वजह से हो गया, क्योंकि आज शादी थी चाचा की लड़की की, तो वही खाना पीना हुआ। तो आपको अभी बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी रात के बज रहे 11:30, तो बस इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं। कोई बात नहीं कल चले जाएंगे, कल है 6 मार्च, तो इंशाल्लाह कल पक्का जाएंगे। ये देखिए मेरा सामान भी, वो मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो जोधपुर का सफ़र 1 महीना हो गया मुझे कंप्लीट, आज 5 मार्च है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहा। भाई की भी शादी हो गई और थोड़ा फैमिली से बहुत सालों बाद मैं रुकी हूँ, बहुत अच्छा भी लगा। तो बच्चों के हैं पेपर, यानी सनाया माहिर तो बड़ी वाली बहन तो जा नहीं रही है, तो मैं जाऊंगी कल, वो शोएब भाई जाएगा। और ये मेरा भाई आ गया, देखिए ये मेरे को जाने नहीं दे रहा, अभी अब आ गया, ये मेरे को जाने नहीं दे रहा, तू बोल रहा है 1 महीना और रह जा, लेकिन अब नहीं रुका जाता, क्योंकि वो 15 दिन, ये कह रहा 15 दिन और रुक जा। अब 15 दिन क्या, 15 सेकंड भी नहीं डूब सकते ना, आप जानते हो 1 महीना बहुत हो गया। तो चलो इस लोग को यही एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह कल। 15 दिन तक खाई भी नहीं जाएगी, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर इसकी बात बिल्कुल मत देना, कोई नहीं जा रहा, खुश रहिए, प्यार बांटिए और ये भी खुश रहेगा।